शासकीय कर्मचारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर गांव में आम रास्ते पर अतिक्रमण करने की कोशिश के विरोध में आज ग्रामीण पहुंचे तहसीलदार कार्यालय, जहां पर उन्होंने उक्त व्यक्ति के खिलाफ ज्ञापन दिया। साथ ही मांग की कि अतिक्रमण होने से रोका जाए। मामला ग्राम पंचायत गड़ा के नया गांव का है, जहां पर सचिव के द्वारा जमीन खरीदे जाने के बाद गांव के आम रास्ते पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते फतेहगढ़ की तरफ से गांव जाने का रास्ता अतिक्रमण की मद में आ गया है। वहीं ग्रामीणों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि अभी अतिक्रमण 5 से 6 फीट का किया गया है एवं आगामी समय में इसे और भी बढ़ा दिया जाएगा। ग्रामीणों की तरफ से आए वकील ने बताया कि उक्त व्यक्ति सचिव होने के साथ पूरा पूरा अपने पद का फायदा उठा रहा है, साथ ही आचार संहिता एवं पद का दुरुपयोग भी कर रहा है। आवेदन के माध्यम से यह भी कहा गया कि जल्द इस मामले में निष्पक्ष जांच करा उक्त व्यक्ति के द्वारा किया गया अतिक्रमण को रोका जाए। ये आज तहसीलदार महोदय के नाम से एक ज्ञापन लेकर आए हैं। ये मामला ग्राम पंचायत गड़ा के मजरा गाँव नया गाँव का है। नया गाँव ग्राम पंचायत गड़ा में सचिव है राम निवास किरार। उनके द्वारा कोई एक जमीन खरीदी गई है, उस जमीन वो जमीन जो है वो आम रास्ते से लगी हुई है। जमीन खरीदी उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, पर गांव का जो आम रास्ता है वो 30 फीट का है मेन रोड से, फतेहगढ़ रोड से जाने का रिकॉर्ड में भी 30 फीट का रास्ता है, परंतु जो सेक्रेटरी है राम निवास किरार उसके द्वारा क्या है, अपनी ज़मीन से हटके करीब आम जो रास्ता है उस पर 6-7 फीट पर अवैधानिक तरीके से कब्जा कर लिया, गड्ढे खोदकर पिलर डाले जा रहे हैं और बाउंड्री वॉल उस पर की जा रही है। यदि आम रास्ते पर अतिक्रमण हो गया तो भविष्य में वो रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा। बसाहट का रास्ता है, शासकीय रास्ता है, शासकीय रास्ते पर किसी को अतिक्रमण का अधिकार नहीं है। और वैसे भी वो जो व्यक्ति जिसकी शिकायत की जा रही है वो संबंधित पंचायत का सेक्रेटरी है, आचार संहिता का फायदा उठाकर और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आचार संहिता में सरकारी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार से अवैधानिक कार्य किया जा रहा है, जो कि एक दंड की श्रेणी में भी आता है। और इसी हेतु हम वो रास्ता खुलाया जाए, पूरे गांव में आक्रोश है। उस रास्ते को बाधित करने के चक्कर में गांव में पूरे में आक्रोश है। कभी भी अप्रिय घटना किसी के साथ हो सकती है, कभी भी यदि रास्ता रोका गया दुर्घटना होगी। इस संबंध में नायब तहसीलदार महोदय को हम ज्ञापन देने आए कि जल्द से जल्द वो जो अवैध निर्माण कर रहे हैं उसको तुड़वाया जाए, वहाँ से हटाया जाए और रास्ते का सीमांकन कराकर संबंधित व्यक्ति है उस पर उचित दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में ये ज्ञापन हम देने आए हैं।